जय गुरु जी। त्रिमोहन पूरी और ये तरन तारण वाले मोती वाला। तो अर्पिता ने सबसे अच्छी चीज लिया, मम्मा ने भी अच्छा लिया, मम्मा ने महाकाल का लिया, काफी अच्छा है ये भी। ये फ्राइड मोमोज मतलब सही है, यहाँ पे हर जगह का अपना अपना टेस्ट होता है। खाके बताते हैं, खाओ खाके बताओ को कैसे बेल्ट वगैरह डाल रहे हैं और सारा कुछ। और ये बैग बुक जो कैसे सेट हुआ पड़ा है इनके पीछे, बहुत बढ़िया। हाँ बस सारी डिटेल्स ले रहे हैं। देखो GoPro के साथ हेलमेट कैसे लगा रखा है इन्होंने, देख रहे हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सही, इन्होंने अपना जगह अपना नाम सब लिख रखा है। तो सो हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित मकू व्लॉग्स विद अनदर व्लॉग। तो गाइज अभी शाम के 6:15 हो चुके हैं और अभी का सीन कुछ ऐसा, गाइज आपको पता ही होगा कि ये मेरा एपिसोड 2 का व्लॉग है और एपिसोड 1 वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा कि मैं हरिद्वार आया हूँ। और अभी फिलहाल गाइज मैं हर की पौड़ी पर खड़ा हूँ और ना गाइज हम हर की पौड़ी पर आरती देखने आए थे, बट हुआ क्या गाइज, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा ना तो आरती मतलब बिल्कुल एंड सॉरी लाइन चल रही थी। मैंने क्लिप ले लिया है तो अभी पहले थोड़ा बहुत इंट्रो हो जाए, उसके बाद वो क्लिप भी देख लेना आप। और ना गाइस उस वाली वीडियो पे आप अपना पूरा प्यार दिखाना, इस वाले में भी दिखाना। ये एपिसोड 2 है, एपिसोड 1 डल चुका है, वो आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं देखा तो जाके उसको देख कर आओ, फिर आपको समझ आएगा कि कहाँ से कैसे व्लॉग स्टार्ट हुआ, कैसे हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी। और एकदम ही सरप्राइज ट्रिप थी यूँ लगा लो गाइस, सुबह सुबह ही एकदम हम 4 बजे निकल गए थे घर से, तो बहुत बढ़िया। और गाइज फिलहाल ना यहाँ पे लाइटनिंग स्टार्ट हो गया है, मैं आपको लाइटनिंग दिखाता हूँ, पहले आपको आरती का एंड का सीन दिखाता हूँ, उसके बाद जैसे जब मैं यहाँ पे पहुँचा उस टाइम मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और आपको वो दिखाता हूँ लाइटनिंग भी यहाँ की गाइज। आपने लाइटनिंग वगैरह देख ली होगी और आरती का एंड का सीन भी देख लिया होगा, बट और यहाँ देखो गाइस भीड़ कितनी है, दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है, देख रहे हो ये लाइटनिंग अभी भी चले जा रही है साथ साथ। बहुत अच्छी लगी गाइस मेरे को तो ये लाइटनिंग, और वो देखो गाइस कितनी सारी भीड़ है वहाँ पे भी। पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, बाकी आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देख लिया होगा कि सर्वानंद घाट पर पूरा पानी था, काफ़ी मज़े किए हमने वहाँ पे। और कोई नहीं गाइस, कल ना मैं थोड़ी जल्दी आऊँगा और आपके लिए आरती रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको इस व्लॉग में नहीं दिखी तो कोई नहीं, अगले व्लॉग में दिखा दूँगा। और गाइस मम्मा बहन पापा भी सारे यहीं पे खड़े होकर ही देख रहे हैं आरती, और लाइटनिंग गाइस और अच्छी चेंजेस हो जा रहे हैं कलर में, पापा भी देख रहे थे अभी। तो आरती तो ख़त्म होगी, कोई नहीं कल दिखा देंगे। हाँ घड़ी में मम्मा कह रहे हैं राइट 6:15 हो चुके हैं, मैंने अपनी वॉच में भी दिखा दिया, ये क्या हो गया कैमरे को, एक मिनट गाइस। हाँ आप ठीक है देख सकते हैं आप 6:15 हुए हैं, इस घड़ी का टाइम कभी ख़राब नहीं होता, मम्मा बता रहे हैं इस घड़ी का टाइम कभी भी ख़राब नहीं होगा। और पापा भी देख रहे हैं पालकी जा रही है, और गाइस वो देखो वो जा रही पालकी। इसको तो आराम से रिकॉर्ड करते हैं, आगे जाके रिकॉर्ड करते हैं इसको। अरे आपने गाइस देखिए वो देखो पार्क पालकी जा रही है वहाँ से, काफी सारी संगत है साथ में पालकी के, देखो और पानी यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ही है, लोग बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं। पहले देखो सीढ़ी तक होता था, यूँ लगा लो सिर्फ एक दो सीढ़ी खाली होती थी, बाकी सारी सीढ़ी तक पानी होता था, अब सारी सीढ़ियाँ दिख रही हैं और ऐसे यहाँ पे नहाना पड़ रहा है। साफ़ सफाई हो रही है गाइज, बढ़िया है गाइज,
साफ सफाई होनी चाहिए इसकी भी। तो गाइस इधर मम्मी पापा और सारे गोलगप्पे खा रहे हैं और हम इधर आ चुके हैं नीचे। अब पहले वहाँ पुल पे खड़े हुए थे वहाँ सामने, अब नीचे आ चुके हैं गाइस हम। और देखो सारा सीन यहाँ का। तो अभी गाइस गोलगप्पे तो खा लिए, मज़ा आ गया, काफ़ी टेस्टी थे। यहाँ से भी खा लेने चाहिए गाइस कभी कभी, ये भाई भी खिलाने के लिए खड़े होते हैं। एक बार स्ट्रीट फूड यहाँ का भी खा के देखना चाहिए, होटल पे तो मिलते ही मिलते हैं, वहाँ तो मतलब हमको टेस्ट ही लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मतलब यही यहाँ पे यूँ लगा लो अगर 20 के चार हैं तो वहाँ पे 40 रुपये के चार मिलेंगे, बट टेस्टी होते हैं। तो अभी गाइस एक अनाउंसमेंट हुई, बहुत ही हंसी आई उसे सुन के। हंसी कैसे आई गाइस, वहाँ पे ना किसी की ना मतलब कोई आए होंगे हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड चला गया जल्दी, उसकी वाइफ पता नहीं यहाँ पे गुम हो गई होगी, तो वो आज खड़ा होकर अनाउंसमेंट करा रहा है कि कहाँ पे रह गई है, जल्दी आ जा। पापा और मैं इतना हंसे, हम कहते जल्द हम भी निकल जाते हैं, फिर मम्मी ये कराएंगे कि कहाँ रह गई है, जल्दी आ जा। तो अभी गाइस हम मार्केट में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर मोहन पूड़ी और ये तरन तारण वाले मोती वाला। तो गाइस हम आगे मार्केट में नहीं जा रहे, इतनी भीड़ में कौन जाएगा। अब आप अपना यहीं पे घर की पूड़ी भाई घूम लेते हैं, ठीक है ना, ना हमको भूख लग रही नहीं तो हम मोहन वाले की पूड़ी भी खाते, बट अभी हमने कुछ नहीं खाना क्योंकि गोलगप्पे खा लिए और भी बहुत चीज़ें खाई थी अभी, आपने पिछले वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। नहीं पिछले वाले ब्लॉग में मैं भी ना देखा हो, वो बंद खाया था, दोपहर को लंच भी गया था, लंच करते मैंने बनाई नहीं थी अपना ब्लॉग। तो अभी अर्पित और यहाँ पे अब देखेंगे अपनी कोई माला वगैरह, तो उनको देखने देते हैं। सबसे अच्छी चीज ली है अच्छा। मम्मा ने भी अच्छा लिया, मम्मा ने महाकाल का लिया है, काफी अच्छा है ये भी। तो बस और भी कुछ लेना तो देख लो। तो गाइस हमारी की बड़ी तो निकल ही आए हैं और ना अभी का सीन कुछ यूं हो रहा है गाइस कि मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ब्लॉग अपलोड कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे ना वाईफाई की मतलब दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहा, क्योंकि जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना वो कह रहे हैं वाईफाई की ना अंडरग्राउंड वो डल रही है नीचे से कोई वायरिंग, तो लाइट काट रखी है, वाईफाई चल ही नहीं रहा, तो अब बहुत सारी दिक्कत आ रही है, अब देखना पड़ेगा, सुबह ही पता लगेगा कहाँ पे जाके कैसे अपलोड करूँगा, आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। बट फिलहाल अभी मार्केट मतलब अर्की बड़ी से इधर आ गए हैं, भीमकोटे वाली साइड जा रहे हैं, पैदल पैदल ही निकल रहे हैं अभी। भीमकोटा का इधर नहीं दिखा मतलब अभी अंधेरा अंधेरा सा है, सुबह दिखाऊंगा गाइस आपको। अभी गाइस पूरी मार्केट से आए हैं घूमते हुए, फिर यहाँ पे देखो एकदम मैं आगे आगे चल रहा था, मुझे बिना बताए इतनी पीछे मतलब मुड़ के यहाँ पे इतनी देर खड़े हुए हैं और मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ अभी, और मैं देखो डिवाइडर के ऊपर खड़ा होकर अपना आराम से व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी गाइस हम घर पे आ गए थे, वो घर कह रहा हूँ मतलब एक तरह से यहाँ का तो अभी घर ही है, और अर्पित कहती कि ना इसको मोमोज खाने हैं, तो अभी इसके लिए मोमोज लेने आए हैं, और अर्पित अरे हमारे मोमोज फ्राइज हो रहे हैं जी। तो इधर और भी चीज़ें हैं गाइस, स्प्रिंग रोल वगैरह है, वेज सीख कबाब भी है, बट हमने मोमोज ही खाने थे। और भी कुछ खाना है क्या तुमने? फिर मोमोज ही खाने हैं तो खा लो। तो गाइस कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमारे फ्राइड मोमोज, मतलब सही है, यहाँ पे हर जगह का अपना अपना टेस्ट होता है, खा के बताते हैं, खाओ मम्मी खा के बताओ, गरम होंगे अभी तो। तो गाइस अभी गरम है, ठंडे होते फिर खाते हैं इसको, बाकी इसकी स्टफिंग सही हुई है अंदर है? तो अभी गाइस 8:51 हो चुकी है और मैं अकेला ही रूम में बैठा हुआ हूँ गाइस,
मम्मी पापा बहन बाहर टहलने गए हुए हैं, बस मैं भी व्लॉग एडिटिंग कर रहा था गाइज, चल ही रही है व्लॉग एडिटिंग, मतलब देख सकते हो आप। तो जल्दी से व्लॉग एडिट करके रख देते हैं, अपलोड तो सुबह ही करूँगा और आपसे भी सुबह मिलता हूँ। तो गाइज अभी सुबह नहीं हुई है, मैं ही बाहर ही आ गया था टहलता हुआ इनके पास ही, और यहाँ पे बैठ के दूध पी रहे हैं, तो मैं वहीं पी लेता हूँ दूध। और यहाँ पे दूध मिलता है वो कढ़ाई वाला ऊपर, जिसमें गिलास में ले लो या वो मिट्टी का एक कसोरे में ऊपर मलाई रख के दे देते हैं, तो काफ़ी टेस्टी होता है। अभी मिलेगा तो दिखाता हूँ आपको। I'm invincible. Nobody gon' bring me down. तो गाइस ये रहा हमारा कुछ दूध मलाई वाला, कैसा है पापा? बढ़िया। सो गाइज इट इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ, तो मतलब 15 मिनट हो गए हैं उठे हुए। तो और उठते ही गाइज मैंने मतलब लैपटॉप में फाइल रेंडरिंग हो रही है मेरी, और इधर पापा मम्मी भी उठ चुके हैं, बहन भी उठ चुकी है, पापा बिग बॉस देख रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी पीछे हल्की हल्की। बट अभी का सीन मतलब यूँ हो रहा है कि ना व्लॉग तो मतलब वो रेंडर हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे वाईफाई की मैंने कल बताई थी दिक्कत आ रही है, तो अभी देखते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, जरूरत तो जाके डालनी पड़ेगी। और फिलहाल जल्दी से नहा लेते हैं, नहाने तो मतलब वही जाएंगे गाइस, ब्रश वगैरह कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी 10 बज चुकी है और हम सारे लगभग बाहर आ चुके हैं, पापा तो आगे हैं, काफ़ी आगे चले गए थे वो, और मैं क्या होता गाइस वाईफाई का पता करने, बट वाईफाई का जुगाड़ तो हो नहीं पा रहा। अब मेरे को लगता है व्लॉग खाम खा आपको रोज तक जाके मतलब डालने पड़ेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे होटल्स के आप देख सकते हैं पाइपलाइन के लिए खुद ही पड़ी है जगह, और ना सारे होटल्स का किसी का भी नेट नहीं चल रहा। मैं जाके पता भी कराया उनसे, और यूँ लगा लो 10 से 12 GB का व्लॉग होता है मतलब अभी लैपटॉप से, तो फिर 10-12 GB का, तो मेरे को अगर अपने फ़ोन का भी डाटा यूज़ करूँगा ना तो 1.5 GB मिलता है। अब क्या कर सकता हूँ, बाकी मैंने मम्मी और सबको तो ढूंढ ही लिया, वो सामने ही चल रहे हैं, दिखाता हूँ वो चल रहे हैं गाइज, हम भी जल्दी से पहुँच जाते हैं उनके पास। बाकी देखो गाइज अभी 10 ही बजी है, 11:30-11 बजे तक भी मिल जाए ना, तो 12:15-12:30 तक अगर अच्छी स्पीड का होता है तो 12:15 तक आपके पास व्लॉग आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर रोहतक जाके डालना पड़ेगा, बना के रख देंगे। बाकी चल ही रहे हैं आगे आगे। तो गाइज इनको ढूंढ ही लिया, मतलब ढूंढ तो पहले ही लिया था बट आगे थे, अब मैं इनके बराबर बराबर चल रहा हूँ। और ना अभी हम जा रहे हैं वहीं पे सर्वानंद घाट पे नहाने, उससे पहले गाइज सोच रहे हैं हम नाश्ता कर लें हल्का फुल्का, चाय देखते हैं गाइज, अगर बढ़िया से चाय मिलेगी तो पी लेंगे, नहीं तो नहाने के बाद ही पियेंगे। ये बैठी यार पिता पापा मम्मा और ये सारे कर रहे हैं वेट खाने का, और हमने गाइज पहले सोचा था कि फैन साथ खा लेंगे, बट मम्मा कहती नहीं मैंने तो रोटी खानी है, और चलो ठीक है आपके साथ मम्मा कह रहे हैं, वैसे गाइज मैंने कहा था, मम्मा ने नहीं कहा था, तो एक मजाक कर रहा था वैसे ही। तो हमने सोचा कि आलू के परौंठे साथ खा लेते हैं, तो एक एक आलू का परौंठा हो जाएगा और साथ में चाय, फिर ये खा के 10 मिनट बाद नहाने जाएंगे, खाते साथ नहाने नहीं जाएंगे। तो गाइज हमारे परौंठे आ चुके हैं और साथ में चाय भी आ चुकी है, अब जल्दी से खा लेते हैं, खा ले अर्पिता। तो अभी गाइज हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अभी सर्वानंद घाट पर भी पहुंच गए हैं, और मम्मा वहाँ शनि महाराज जी को मत्था टेक रहे क्योंकि आज शनिवार है ना, तो हम भी साथ साथ ही आगे आगे चल रहे हैं, आओ जल्दी आ जाओ। और अर्पिता परौंठा कैसा लगा? बढ़िया था ना गाइज, हमने मिक्स परौंठा लिया था आलू प्याज, एक नंबर की स्टफिंग करारा, बहुत मजा आया खा के, सुबह सुबह नाश्ता बढ़िया हो जाता है ना, तो उसके बाद चाहे दोपहर तक कुछ ना मिले यार, शाम तक अपना मजा आ जाता है। बट अभी जा रहे हैं हम सर्वानंद घाट, पहुंच ही गए हैं, और अभी गाइज मैं सर्वानंद घाट पर पहुंचा तो मुझे ना कुछ व्लॉगर भाई मिल गए यहाँ पे, और इन भाई का चैनल है लौकिक गावन। और गाइज भाई अपना केदारनाथ होके आए हैं अभी अभी बाइकर्स पे, पापा तो इनकी बाइकें देख रहे हैं, और सही है बहुत बढ़िया भैया।
और ये देखो गाइस भैया पूरा अपना सेट करके बैठे हुए हैं अपना बाइकिंग के लिए। इनके साथ वो वाले भैया हैं, वो देखो कैसे बेल्ट वगैरह डाल रहे हैं और सारा कुछ। और ये बैग बुक देखो कैसे सेट हुआ पड़ा है इनके पीछे, बहुत बढ़िया। हाँ वो सारे डिटेल्स ले रहे हैं। और गाइस भाई का कैमरा देखो गोप्रो के साथ हेलमेट पे कैसे लगा रखा है इन्होंने, देख रहे हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सही इन्होंने अपना देखो यहाँ पे नाम नूम सब लिख रखा है, तो मुझे तो ये सही लगा, गोप्रो ही बढ़िया लगता है। और गाइस भाई भी मेरी तरह एक न्यू ब्लॉगर है, वो मोटो ब्लॉगर है, हम फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं। और गाइस तो आज पानी और ज़्यादा हो गया है, दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस आज पानी का फ्लो भी देखो काफ़ी तेज़ है और पानी है भी ज़्यादा, देख रहे हो कैसे चमक रही है गंगा मैया। और ना ये अभी ना सर्दियों में बंद कर रखा है इन्होंने, या कोई फेस्टिवल वगैरह आएगा ना तो ये ऊपर फाउंटेन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर एक शो करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है मतलब डिज़ाइन बनता है। और वो देखो गाइस हॉर्स के ऊपर ना रेत निकाल रहे हैं जो गंगा मैया के साथ बह के आती है पहाड़ों से, देख रहे हो। ये भी देखो कैसे कैसे वो इतनी बीच में गया हुआ है, वहाँ पर लेवल कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा और भी नीचे चले गए हैं आज, तो ये बैग में लेके आए हैं कपड़े कि कल इनको ठंड लग रही थी, क्योंकि इन्होंने वही कपड़े मतलब गीले गीले कपड़े धूप पे सुखा लिए थे। और भाई हॉर्स को देखो अपना सही, एक इधर दूसरा हॉर्स भी खड़ा है, बहुत बढ़िया। और वो देखो वो बीच में भी मेरे को पहले लगा कि कोई बंदा बैठा है, बट ज़्यादा मेरे को लग रहा कि वो कोई मूर्ति है। और वो भैया देखो क्या कर रहे हैं, अपना पानी के अंदर जाके सिक्के ढूंढ रहे हैं, या कोई भी उनको जरूरी सामान मिल जाएगा तो अपने मुंह में भर लेते हैं, कल भी आए थे ये। चलो हम जल्दी से नहाते हैं अब। ये क्या था ये? तो गाइस अर्पिता हम सबसे पहले घुस चुकी है, उसे तो काफ़ी देर होगी अंदर बैठे बैठे। और आज देखो पानी सही है, हाँ। मम्मा यहाँ पे बैठे हैं, अभी मम्मा भी जाएंगे, पापा भी तैयार है जाने के लिए, बस मैं भी जल्दी से कपड़े उतारता हूँ, चलते हैं हम भी अंदर। जब मैं पहले गीला नहीं होता ना, मेरे को ऐसे डरा रही थी, अब आप देख के आप तो ये देखो गाइस ये है रेत का खनन, अवैध रेत खनन, जो कि बेचारे घोड़ों के ऊपर भरा जा रहा है। अरे इधर आपकी बैटरी देखो, ये देखो जी तो अब गाइस मम्मी और पापा जा रहे हैं, अर्पित दादा भी वहीं पे बैठी हुई है। और गाइस मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, जब मैं इन्होंने जा रहा था ना मुझे कह रहे थे कुछ नहीं होता, इतना ठंडा पानी भी नहीं है, जाके नहा ले नहा ले। और खुद देख रहे हैं इनको, जाओ नहीं है पापा, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं है। फिर से कल वाली हरकतें कर रहे हो। मम्मा आप भी जाओ, गाइस मम्मी भी आंखें हट गया। ओ यस, मम्मा कैसा लगा? मम्मी नहला दो नहला दो नहला दो। मम्मी जाओ आप भी अंदर, पापा मम्मी आप, पापा ओ पागल ओ पागल ओ पागल ओ पागल,
नाव, दोनों नाव। ओ ये देखो मैं भी आ रहा हूँ। तो गाइज हमको नहाते हुए 1 घंटा हो गया होगा, और हम पता क्या करते थे, 1 घंटे में हम थोड़ा सा जैसे ठंड लगती है बाहर आते, धूप में शरीर गर्म करते फिर नहाने घुस जाते, और अभी भी वही कर रहे हैं, शरीर गर्म कर रहे हैं फिर नहाने चले जाएंगे। इधर मम्मा बैठे हैं नहा के साइड में, अर्पिता पीछे, पापा जी बैठे हैं सबसे ऊपर। और पापा कैसा लग रहा है नहा के? बढ़िया, ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ रहा है गाइज कसम से। तो गाइज हम नहा चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया गाइज, कल से ज़्यादा तो आज मज़ा आया, कि कल हम जिस तरह थके थके से थे ना, आज थोड़ा अपना आराम से रात को सोए और उसके बाद अपना आज तो हम, और आज हम ज़्यादा देर भी नहाए, पीछे मम्मा और चल रहे हैं। कैसा लगा नहा के आज? बहुत मज़ा आया आज तो कसम से। अब बस चलते हैं घर ही जा रहे हैं, पापा भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और आज तो हम उस साइड भी गए, मतलब ग्रिल के उस साइड भी गए, वहाँ पे कई फ़ोटोज़ खिंचवाई। देखूंगा गाइस अगर वो फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में हुई तो, मैं भी पापा के फ़ोन में थी, पापा ने शायद वो उसमें ना बना रखी हो पोर्ट्रेट में, देखते हैं जैसे होगा एडजस्ट करूँगा, दिखा सकूँगा तो दिखा दूँगा। तो अभी गाइस रूम पे पहुँच चुके हैं, नेट तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा गाइस, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मेरे फ़ोन का भी 1.5 GB मैं यूज़ अगर कर देता हूँ ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, वैसे ही वेस्ट जाएगा, ना अपलोड होगा ना कुछ। और इधर अर्पिता तो आराम से बैठ के लैपटॉप में गाने सुन रही है। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, शाम को निकलेंगे बाहर 4 बजे के आसपास, 4:30 के आसपास, और आज आपको आरती भी दिखाऊंगा गाइस। अभी तो मैं अभी थक गया हूँ, सो जाता हूँ थोड़ी देर। तो अभी गाइस दोपहर के 3:15 हो चुके हैं, और अभी का सीन कुछ ऐसा गाइस कि मैं बाहर आया था वाईफाई ढूंढता, और मुझे वाईफाई मिल गया। एक भैया हैं, उनका होटल है होटल श्री हरी, इनके होटल में ही था। मैं यहाँ पे से जा रहा था, मैं कहा भैया वाईफाई का, तो कहते भैया हमारा ही ले लो आप। तो मैंने उन पर, अभी मेरा लैपटॉप आप देख सकते हैं अंदर पड़ा हुआ है प्रिंटर के साथ में, और ब्लॉग अपलोड हो रहा है, और सही 5G स्पीड मिल रही मेरे को, 5G इनके पास लगा था, राउटर जो था इनका 5G था, स्पीड भी काफ़ी बढ़िया ही दे रहा है, नियर अबाउट 10 MB/s दे ही रहा है। हो जाएगा अपलोड ब्लॉग, बट होएगा शाम को 4 बजे के आसपास, जब तक आप देख चुके होगे वो वाला ब्लॉग, तो अगर नहीं देखोगे तो जाके ब्लॉग देख आना और उसे लाइक कराना। और आपको वो episode 1 है, episode 2 वो लास्ट में ना गाइस 2 भी कंटिन्यू लिखना था, मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया, बट कोई नहीं आप समझ जाना, आपके भाई का episode 2 भी आएगा। अगर कल मैं यहाँ पर रुका तो डाल दूंगा, जिस तरह आज सैटरडे है, अगर संडे को रुका तो मतलब यूँ लगा लो कल सुबह सुबह ब्लॉग आ जाएगा, अगर ना रुका तो फिर मंडे को ही आएगा, बाकी एडजस्ट कर लेंगे जैसे होगा, आप समझ जाना। मतलब एपिसोड उसके टोटल होंगे 3 या 4, मैं बता दूँगा आपको जितने भी होंगे, बट फिलहाल अभी तो ब्लॉग अपलोड हो रहा है, टाइम लगेगा, मैं तो बाहर ही बैठा हूँ यहाँ पे, वो भीम गोटे के वहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल सामने, आपको भीम गोटा दिखाता हूँ गाइस चलो। और बाकी ये हो रहा है ब्लॉग अपलोड, साथ में चार्जिंग को लगाओ, जो चार्जिंग ख़त्म हो पड़ी थी आप देख सकते हैं, और 3:12 हो चुकी है, हो जाएगा ब्लॉग अपलोड, यहाँ पर पढ़ाई है गाइस। भीम गोटे के ऊपर से ट्रेन जा रही है देखो, और सामने भीम गोट है वहाँ पे, आगे गुफा में दिख जाती है, आगे गुफा में। तो गाइज ये रहा भीम गोटा, और ये ऐसा दिखता है कुछ, यहाँ पे मछलियाँ भी होंगी तालाब में, जो तालाब में रहती हैं मछलियाँ, ऐसा है कुछ। वहाँ पे मंदिर है, और गाइस ब्लॉग तो मेरा अभी भी नहीं डला, पता नहीं कैसे, भैया कह रहे थे वाईफाई चल रहा है बंद हो रहा है, तो वही हुआ, वाईफाई चलते चलते बंद हो गया, और मेरा यूँ लगा लो 3-4 GB रह गए थे, कि 12-13 GB का था ना, 70% अपलोड हो गया था, 30% रह गया। तो अब बस, तो और गाइस मैंने आज आपको वो भी दिखानी थी, ये कहते हैं गंगा मियाँ की आरती, बटिया वाला ब्लॉग मेरे को लग रहा है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपको अगले एपिसोड में गंगा मियाँ की आरती दिखाऊँगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और धूम मचा दो, पूरा प्यार दिखा देना अपना, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आके फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, बाय।